अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। हम डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग के मुतालिक डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स मैथ 113 पेपर ए चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पार्ट नंबर 1, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, यानी तजजी करनी है इसकी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ठीक है। जब हम इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास फैक्टर आ जाएगा 12 का। अब हम इस 12 के फैक्टर के जो टेबल्स होंगे उसको काउंट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम 2 6 द 12 हो जाएगा, 2 3 द 6 एंड आल्सो डेट 3 1 द 3। और हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है उसको विदाउट वेरिएबल यानी जिसके साथ कोई एक्स नहीं है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फैक्टर आया वो 12 था। हमने 12 की यहाँ पर तजजी कर ली। जब तजजी की तो अब हमारे पास जो फैक्टर्स बन रहे हैं इस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है इसकी कि देखिएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 6 था 12, ठीक है। मतलब 12 के टेबल्स देख रहे हैं हम। उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पर कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 द 4, और इस 4 को फिर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे उससे नीचे वाले डिजिट के साथ। मतलब अब ये आ जाएगा आपका 2 2 द 4 है, तो 4 अब ये बन चुका है, तो इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 4 3 द 12। मतलब 12 किन टेबल्स पे आ रहा है वो आप यहाँ पर काउंट कीजिएगा, फिर देख सकते हैं यहाँ पर के 2 2 द 4 4 4 3 द 12। और अब आप 12 को मजीद 1 से मतलब कि उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 1 द 12 भी होगा, ठीक है ना। तो ये 12 1 द 12, ये वो 3 फैक्टर होते हैं जिसको हम मतलब काउंट कर रहे होते हैं। यहाँ मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था आपको कि 12 आएगा इस तरह से कि 2 6 द 12 आ जाएगा, नेक्स्ट 2 2 द 4 4 3 द 12 आ जाएगा, ये दूसरा टेबल हो गया 12 का, और तीसरा 2 2 द 4 4 3 द 12 12 1 द 12। तो 12 1 द 12। अब ये 3 फैक्टर आ चुके हैं, आपको ये क्यों फाइंड करना है, आपने यहाँ पर 7 लेके आना है। इन फैक्टर में से कोई सा भी एक फैक्टर चूज़ करना है जिसमें आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन से यानी इनको जमा करने से या इनको तफरीक करने से आपके पास 7 आना चाहिए। देखिए पहला फैक्टर जिसमें 2 6 द 12 है, अगर आप इनको ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 2 8, और अगर आप 6 में से 2 माइनस कर देते हैं तब 4 आता है, लेकिन हम इस फैक्टर को चूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 और 3 7 आता है, ये चूज़ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में 12 प्लस 1 13 है, अदरवाइज 11 हो जाता है, तो ये फैक्टर भी चूज़ नहीं किया जाएगा। तो जो फैक्टर हम चूज़ कर सकते हैं वो है 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। हम चूज़ कर सकते हैं सिर्फ इस फैक्टर को जो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 है। तो अब इस फैक्टर को चूज़ करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हम इनको ऐड करेंगे इस तरह से कि 4 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 7, ठीक है, वो भी पॉजिटिव में। मतलब इस तरह से जो है वो आपको फैक्टर मिल गया। तो हम इसके साथ x का इजाफा सिर्फ करना है हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पहला तो 3x स्क्वायर है। इस 7x के 2 फैक्टर्स हमने बनाए, एक हमारे पास आ गया यहाँ पर। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप इसको 3 प्लस 4 कर लें इक्वल टू 7, ताकि हमारी आसानी हो सके, क्योंकि हम 3 के साथ 3 का कॉमन ले सकते हैं, तो 3x कर लेते हैं। इसके साथ यहाँ पर 4x और 7 प्लस में 4 आ जाएगा, और इक्वल टू 0 कर लेंगे, ठीक है। अब 2 पेयर्स बन रहे हैं हमारे पास, ये इस तरह से देख लें और इस तरह से। अगर हम इधर 4 और इधर 3 लिखते हैं तब भी हम इसको कॉमन तो ले सकते हैं, लेकिन फिर उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी कॉमन लेते वक्त। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि दोनों में 3 1 है, कॉमन आ गया,
दोनों में, इसमें एक एक्स स्क्वायर है, इसमें सिंपल एक्स है, तो एक एक्स भी आप बाहर निकाल लें। यहाँ पर सिर्फ एक एक्स बचेगा, दोबारा से मल्टीप्लाई करके देखिएगा, और 3x1 3x वैसे ही आ गया। मतलब ये देख सकते हैं कि 3x और x x का स्क्वायर प्लस 3x1 3x। अब इन में से आप देख सकते हैं कि दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा, और इसमें आपके पास x जो है अंदर बाकी बचेगा, और प्लस 4 1 4, मतलब दोनों में से 4 कॉमन सिर्फ आता है, इसमें एक्स प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि इसमें भी एक्स प्लस 1 और दूसरे पेयर में भी एक्स प्लस 1, मतलब आपका क्वेश्चन ठीक सॉल्व हो रहा है। इन दोनों को हमने यहाँ पर कॉमन ले लेना है, हमने एक्स प्लस 1 को कॉमन ले लेना है, तो बाकी वैल्यू हमारे पास बचेगी 3x+4, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा 0। जब इतना स्टेप कर लेंगे आप, तो अब आपने एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 कर लेना है, और दूसरी तरफ आपके पास 3x+4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह से आपका जो है ये x इक्वल टू -1 आ जाएगा, और ये वाला आपका 3x इक्वल टू, ये 4 पॉजिटिव है यहाँ पर, ये उस तरफ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर 4 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, और फाइनली जब आप दोनों रूट्स निकाल चुके हों, ये रूट्स कहलाती है, ठीक है। ये एक इक्वेशन थी, इक्वेशन यानी मसावात, उसके हमने दो रूट्स यानी दो आंसर्स फाइंड किए हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा हमारा, आपने इस तरह से लिखना होता है, उर्दू में आप जानते होंगे कि आप लिखते थे हल सेट, ये सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने ये दोनों रूट्स को इस तरह से कॉमा में लिखना है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये हमारे इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो हैं वो बरवक्त और बआसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।